जनपद सीतापुर की पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। चर्चित रिटायर शिक्षक हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर किया खुलासा। हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर में कृषक इंटर कॉलेज मोहली के रिटायर शिक्षक कमलेश चंद मिश्रा हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। इस घटना के तार तंत्र मंत्र से ही जुड़े पाए गए। रविवार को घटना का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह ने बताया, तांत्रिक गुरु रिटायर शिक्षक की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उनके करीबियों के द्वारा ही की गई, जिसका पुलिस अधीक्षक के द्वारा खुलासा किया गया। देखिए हमारे संवाददाता सुरेंद्र कांत मौर्य की रिपोर्ट। थाना मोहली अंतर्गत मोहली गांव में श्री कमलेश चंद मिश्र, जो एक रिटायर्ड अध्यापक थे और तांत्रिक साधना करते थे, तंत्र मंत्र की क्रिया करते थे, एक महामाया तारिणी श्री अघोरेश्वर महाकाल अक्षोम शिव मंदिर श्मशान घाट में उन्होंने निर्मित कराया था और प्रतिदिन उसमें 7 बजे शाम को जाते थे और 10-11 बजे तक पूजा पाठ करते थे, तंत्र साधना करते थे, झाड़ फूक करते थे और उसके बाद वहाँ से लौटते थे। 11 तारीख को वहाँ से वापस नहीं आए समय से, तो उनके परिवार वालों ने वहाँ जब जा करके देखा तो गिरे पड़े थे। उनको वहाँ से तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में उनकी डेथ हो गई। इस घटना के अनावरण के लिए एडिशनल एसपी उत्तरी डॉक्टर राजीव दीक्षित के नेतृत्व में 5 थानाध्यक्षों की 5 टीमें लगाई गई थी। इसके अतिरिक्त स्वाट और सर्विलांस को भी लगाया गया। घटना का अनावरण करते हुए इन टीमों के माध्यम से 3 अभियुक्त प्रकाश में आए, जो इस घटना को कारित किए। मुकेश शुक्ला पुत्र सुरसर दत्त शुक्ला, जो मृतक कमलेश चंद मिश्रा का शिष्य है और उनके साथ उनके इस क्रिया साधना में सहयोग भी करता था। इसके अतिरिक्त श्रीमती शालू पत्नी श्री अखिलेश निवासी शुक्लन टोला थाना मोहली और अंकुल मिश्रा पुत्र कमलेश मिश्रा निवासी भिरिया थाना मोहली, ये 3 लोग प्रकाश में आए। ये मुकेश शुक्ला मृतक कमलेश चंद मिश्रा का शिष्य है और मृतक की तंत्र मंत्र पूजा में सहयोग करता था। अभियुक्त अंकुल मिश्रा की कोई संतान नहीं है। अभियुक्त अंकुल मिश्रा की सास हैं श्रीमती शालू और शिष्य जो मुकेश शुक्ला है उसकी चाची अपनी मौसी है। मौसी का जो लड़की है उसकी शादी अंकुल मिश्रा से हुई है। अंकुल मिश्रा की शादी को 6 साल लगभग हो गए, उन्हें कोई संतान नहीं थी। क्योंकि ये मृतक झाड़ फूक तंत्र मंत्र से इस प्रकार की क्रियाओं का समाधान करते थे, समस्याओं का समाधान करते थे, इसलिए उनकी मौसी शालू ने मुकेश के माध्यम से वहाँ अप्रोच की और वहाँ बाबा के यहाँ जो ये तांत्रिक हैं तथा कथित कमलेश चंद मिश्रा, वहाँ पर ये साधना में जाने लगी। लगभग 2 वर्ष से वो महिला उनके संपर्क में है, वहाँ जा रही हैं, लेकिन उनकी पुत्री को कोई संतान नहीं है। और तंत्र साधना में कुछ ऐसी क्रियाएं कमलेश चंद मिश्र द्वारा की जाती थी जो उचित नहीं हैं, आपत्तिजनक हैं, जैसा कि श्रीमती शालू और उनके शिष्य मुकेश शुक्ला द्वारा बताया गया है। इससे क्षुब्ध होकर के अंकुल मिश्रा, जो एक अपराधी है, इसने प्रेरित करके दबाव बनाया मुकेश शुक्ला पर कि मेरी बहुत बदनामी बेइज्जती हो गई और 2 साल से जा रही है मेरी सास वहाँ पर और इसका कोई परिणाम नहीं निकला। तीनों ने योजनाबद्ध तरीके से उनको खत्म करने का एक प्लान किया। उस प्लान के अंतर्गत अंकुल मिश्रा अपने मौसेरे भाई आशीष दीक्षित के साथ 9 तारीख को यहाँ से दिल्ली चला गया ताकि उसकी लोकेशन यहाँ ना हो। उसके बाद मुकेश शुक्ला को जो सारी व्यवस्था थी वो करके दिल्ली ही चला गया और दिल्ली से वो लौटा 11 तारीख को सुबह, जब इनकी हत्या हो चुकी थी रात में। इधर मुकेश शुक्ला जब पंडित जी उधर निकले वहाँ से तंत्र मंत्र की प्रक्रिया पूर्ण करके, तो वहीं पर था और उसने कट्टे से फायर करके उनको वहाँ पर घायल कर दिया, जिनकी बाद में मृत्यु हो गई। इस प्रकार यह प्रकरण पूरी तरह से तंत्र मंत्र और मंदिर के अंदर आपत्तिजनक अवैधानिक कृत्यों से जुड़ा हुआ है। उनकी हत्या उनके शिष्य मुकेश शुक्ला द्वारा ही की गई।